आइए आज के वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ब्रांड का एसी आपको लेना है, मतलब कि ये ब्रांड सारे फीचर्स ऑफर करते हैं या नहीं, कितने दाम में कौन सा एसी आपको मिलने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अल्टीमेट एसी बाइंग गाइड का वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई का बटन जो है यहाँ से टैप करके वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा लोग पूछे थे कि आखिर में ब्रांड कौन सा ब्रांड पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से ब्रांड कैसे फीचर्स देते हैं, इसके बारे में बताइए करके पूछे थे। तो यहाँ है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा एसी जाकर आपको लेकर आना है। तो फुल वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ बोनस ऐसे एसीज के बारे में भी बात करूंगा जिससे आपका पैसा भी बचेगा एंड बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी है बेस्ड ऑन द यूजर एक्सपीरियंस। लेकिन इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना एंड वैसे लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहला एसी मैं रिकमेंड करूंगा कि गोदरेज की तरफ से है, 1 टन एंड 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी है, मतलब कि इन्वर्टर स्प्लिट एसी जो रहता है इस पर आप इन्वेस्ट कीजिएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है। जितना कूलिंग चाहिए प्रिसाइज कूलिंग के लिए, कितना कंप्रेसर जो फैन रहता है कितना स्पीड पर चलना चाहिए उतना ही स्पीड पर चलेगा, ऐसा नहीं कि फुल ऑन रहेगा हमेशा। तो नॉन इन्वर्टर एसी जो रहते हैं उसमें फुल ऑन कंप्रेसर चलेगा आप जितने भी टेम्परेचर रखिए। तो इसके वजह से आई थिंक दिस इज 2019 एंड हाई टाइम आपको अभी स्टार्ट करना है लेना, इन्वर्टर एसीज पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा गोदरेज का 1 टन है, 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी, ये R32 रेफ्रिजरेंट कंप्लेंट है एंड लेटेस्ट मॉडल भी है एंड इसमें आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि स्लीप मोड है, टर्बो मोड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखना है डी ह्यूमिडिफिकेशन फीचर, मतलब आपके रूम में कूलिंग करने से पहले अगर आप डी ह्यूमिडिफिकेशन पर रखेंगे तो कंप्रेसर ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा एंड इसके वजह से आपका पावर सेविंग ज़्यादा होगा। तो ऐसे में ह्यूमिड जो भी रहता है, गर्मी जो रहता है रूम के अंदर, वो पहले निकाल के बाहर फेंकेगा एंड उसके बाद आप कूलिंग करके थोड़ा भी अगर कूल कर देंगे तो इंस्टेंटली आपका रूम कूल हो जाएगा। तो ऐसे आप पावर सेव भी कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैं उस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट एसी रिकमेंड करूंगा ये गोदरेज का 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी, जो कहा वो एक्चुअली आपको मिलने वाला है अराउंड 29,000 to 30,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन योर रीजन। एंड ये कोई भी एसी हो आप लेने से पहले आप ये ज़रूर जानिए कि आपके लोकेशन में सर्विस अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप गोदरेज जाकर लीजिए एंड वहाँ पर आपके लोकेशन में अगर गोदरेज का सर्विस ही नहीं है तो बेकार पड़ जाएगा। तो इसके वजह से सर्विस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ठीक से अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कूलिंग मिलेगा एंड लॉन्ग लाइफ रिलायबिलिटी भी आपको मिलेगा। तो इसके वजह से इंस्टॉल ठीक से करवाना एंड आपके लोकेशन में सर्विस रहना है उस ब्रांड का। तो सेकंड एसी मैं रिकमेंड करूंगा ओनिडा का है, 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी, अगेन यहां पर भी आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये आ रहा है अराउंड 28,000 रुपीज। तो 28,000 रुपीज़ में आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं जैसे कि ऑटो एयर स्विंग है एंड यहाँ पर आपको स्लीप मोड है, टर्बो कूलिंग है, डी ह्यूमिडिफिकेशन भी है एंड जो फिल्टर्स रहते हैं एसी में जैसे कि कार्बन एक्टिव कार्बन फिल्टर हो या फिर डस्ट क्लीन का फिल्टर हो, जो माइक्रो छोटा छोटा फिल्टर्स रहता है वैसे सारे फिल्टर्स इस एसी में कवर हो चुका है। तो ओनिडा का 1 टन एसी एंड उसके बाद थर्ड इन्वर्टर एसी मैं रिकमेंड करूंगा 1 टन का 3 स्टार का लॉयड हॉट एंड कोल्ड। ये देखिए इंटरेस्टिंग है, लॉयड ब्रांड का हॉट एंड कोल्ड एसी आपको मिल रहा है, मतलब कि आप समर सीजन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड रेनी या फिर विंटर सीजन में भी जब ज़्यादा ठंड रहता है तो हॉट करने के लिए आप यूज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 34,000 रुपीज़ में आपको 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी वो भी हॉट एंड कोल्ड का मिलता है। इसमें भी सारे फीचर्स कवर कर दिए हैं। अगर आप एक ब्रांड लॉयड ओनिडा ऐसे वर्लपूल ऐसे वाले ब्रांड्स नहीं देखना चाहते हैं, एलजी सैमसंग का रिकमेंडेशन चाहते हैं तो एलजी का भी है लेकिन इसका प्राइस रेंज अराउंड 33,000 to 34,000 रुपीज़ है 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एलजी सैमसंग कैरियर डाइकिन ऐसे ब्रांड देखकर मत लीजिए, क्योंकि ये यूजुअली क्या करते हैं ब्रांड के नाम पर बहुत ज़्यादा महंगाई बना के रखे हैं, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटेटर सभी जैसे कि ओनिडा हो या फिर यहाँ पर गोदरेज का हो कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग पर अवेलेबल है। तो इस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, ना कि आप एलजी ही लेना है मुझे, वोल्टास का ही लेना है, ऐसे करके मत सोचिए। तो बेस्ड ऑन द यूज़र रिव्यूज, बेस्ड ऑन कि कैसे फीचर्स कितने प्राइस में आपको मिल रहा है एंड कूलिंग कैपेसिटी क्या है, पावर कंजम्पशन का कितना कम है, ये सारा चीज़ मैं रिसर्च करने के बाद ही आपको मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। तो मैंने 3-4 इन्वर्टर्स रिकमेंड किए 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी। अगर आप 1 टन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी देखते हैं तो एलजी का ड्यूअल इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो अच्छा है
लेकिन वहाँ पर आपको कॉस्ट महंगा पड़ेगा, जैसे कि 36,000 रुपीज़ पर अवेलेबल है 1 टन 5 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी, तो उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा ब्रांड वोल्टास का देख रहे हैं, तो वोल्टास एक्चुअली फीचर्स वाइज हो या फिर प्राइस पर, मतलब कि अगर आप 35,000 रुपीज़ दे रहे हैं तो बहुत सारा कम फीचर्स मिलने वाला है, एंड इतना भी क्वालिटी प्रोडक्ट अभी नहीं रहा जितना कि पहले रहता था। तो इसके वजह से आई वुड सजेस्ट यू, जैसे मैंने रेकमेंड किया है, गोदरेज का, ओनिडा का, एंड ये लॉयड का, एंड एलजी का, उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा एसीस है। एंड इन सारे चीज़ देखने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, बोनस एसीस कुछ ऐसे बताऊंगा, वो है कि मीडिया एंड मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट। तो आपको पता ही होगा मार्क्यू ब्रांड बाय फ्लिपकार्ट, लेकिन उनका एसी भी अभी चल रहा है तो बहुत ही अच्छा यूज़र रिव्यूज आ रहा है। तो इसके वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट आप इन्वेस्ट करके देख सकते हैं मार्क्यू ब्रांड का, क्योंकि मार्क्यू ब्रांड का 1 टन 3 स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एसी अराउंड 23,000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, तो बहुत ही चीप है, एंड सारा फीचर्स जो है इंक्लूडिंग कॉपर कंडेंसर कॉयल भी है उसमें। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू बाय दैट, अगर आप थोड़ा स्केप्टिकल है मार्क्यू ब्रांड नहीं चाहिए यार करके, तो जो मैंने अदर एसीस रिकमेंड किया है वो देख सकते हैं। इन सारे चीज़ों का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप वहाँ से चेक करके अपने लोकेशन में कितना प्राइस है, या फिर ऑनलाइन में अगर ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि 1.5 टन का 3 स्टार एंड 5 स्टार स्प्लिट एसीस कौन सा लेना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप 1.5 टन का ले रहे हैं तो। एंड ये 1 टन का कब लेना है आपको, इफ़ योर रूम स्पेस इज बिलो 100 स्क्वायर फीट, 10 फीट बाय 10 फीट का अगर रूम साइज़ है, तो मैक्सिमम रूम साइज, तो आप 1 टन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मोर देन 90 या 100 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है आपका रूम साइज़, तो डेफिनेटली 1.5 टन आपको लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।